मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। उसने मेरा चेहरा बदला है, दिल नहीं। उसने मेरे फेस पे एसिड डाला है, मेरे सपनों पे नहीं। मेरी लाइफ है, मुझे दोबारा एक लाइफ मिली है, मैं उसको क्यों वेस्ट होने दूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी कुछ सपने थे। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, हमारे देश में लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है, उसके सपनों की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे भी सपनों की नहीं थी। 2005 की बात है, मेरा एक सपना था कि मैं सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन एक लड़का था जो 32 इयर्स का था और मैं उस टाइम पे 15 इयर्स की थी। वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता था। जब मैंने उसको मना किया तो उसने क्या किया, पूरे 10 महीने तक उसने मुझे कंटिन्यूस परेशान किया, लगातार। स्कूल जाती थी, स्कूल से जब वापस आती थी वो मेरा वेट करता था रास्ते में। वो कुछ भी बोलता था, वो मुझे थप्पड़ मार देता था, कुछ भी उसके मन में जो आता था वो करता था, क्योंकि उसे पता था कि मेरा एक सपना है, क्योंकि उसे पता था कि मैं अपने घर वालों को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उसे पता था अगर बोलूँगी तो मेरा स्कूल छुड़वा दिया जाएगा, मेरे सपने को मार दिया जाएगा। मैंने अपने परिवार को कहा एक दिन, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम आगे क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो, तो मैंने बहुत ईजली तरीके से बोला कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। तो वो हंस पड़े, उन्होंने कहा कुछ और कर लो, सिंगिंग डांसिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे इधर ये सब नहीं चलता है। ठीक है, रियलिटी शोज़ देखती थी तो आई फील कि रियलिटी शो देख रही हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सबको भी मालूम है कि कोई भाग के आया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अलग से क्लासेस ले रहे हैं सब लोग अपने सपने के लिए, कुछ भी कर रहे हैं। तो मेरा मन भी किया, उस टाइम पे 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली थी स्कूल की। मैं बहुत चंचल टाइप की लड़की थी, बहुत सीधी सी थी, जितना अभी बोलती हूँ ना पहले नहीं बोलती थी बहुत वैसे टाइप की थी, अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोल दे तो रो पड़ना, बहुत अजीब टाइप की थी। मैं अपने आप को खुद ही अजीब बोलती हूँ कि मैं थी, अभी नहीं हूँ। तो उस टाइम पे मैं घर से अकेले जाती भी नहीं थी, जहाँ जाना मम्मी, जहाँ जाना पापा, हर एक जगह पापा मम्मी साथ ही रहते थे। तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे घर से बाहर निकलना है, 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ने वाली है, मुझे जॉब करनी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, नहीं, कुछ और कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब करनी है। जॉब करना मेन मकसद था ही नहीं, मेन मकसद मेरा यही था कि मैं सिंगिंग क्लास ज्वाइन करूँ और आगे कुछ करूँ, तभी मेरे घर वाले मान पाएंगे कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसे वो नहीं मानेंगे। उसमें भी मैंने राज़ी कर लिया उनको, और उसके बाद मैंने क्लासेस के लिए बात की और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डेट पे आपका एडमिशन होगा, अभी एडमिशन क्लोज हो गया है। मैं बहुत वेट करी थी, बहुत अंदर से एक्साइटमेंट थी कि बस जल्दी से 1 तारीख आ जाए और मेरा हो जाए। तो उस लड़के का 19 अप्रैल को 2005 में मैसेज आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया। उसका अगेन मैसेज आता है, अभी और इसी वक्त मुझे जवाब दो। मैंने तभी भी कोई उसको रिप्लाई नहीं किया। लकली मैंने वो मैसेजेस डिलीट नहीं किए। नेक्स्ट डे उसकी कॉल आती है। मैं एवरीडे की तरह खान मार्केट जा रही थी, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा जो हादसा हुआ है वो खान मार्केट में हुआ है। तो जब मैं जा रही थी उसका कॉल आता है। एक्चुअली मैं उस लड़के को 2.5 साल से जानती थी, क्योंकि उसकी जो सिस्टर्स थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसके घर में एक ही फ़ोन था जिससे हम उसकी सिस्टर और मैं बात किया करते थे। तो मुझे लगा उस टाइम पे भी कि उसकी सिस्टर का फ़ोन आ रहा है, तो मैंने बात किया, लेकिन उस लड़के का ही फ़ोन था। कहता है तुम तो आगे कुछ करना चाहती हो ना, तुम आगे बढ़ना चाहती हो, तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हो। मैंने बहुत ईजली तरीके से हाँ बोला और उसने कहा चलो ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट डे मुझे कुछ नहीं पता था, और वो लड़का और उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड
दोनों मेरा वेट कर रहे थे और मुझे फॉलो कर रहे थे। मैं एवरी डे की तरह 10:45 पे जा रही थी, अचानक से जहाँ जहाँ जा रही हो वो भी आ रहे हैं। मैंने रोड क्रॉस किया, वो लोग भी वहीं से रोड क्रॉस कर रहे थे और वो लड़की मुझे बड़ा घूर घूर के देख रही थी। मैंने कहा लड़के तो देखते ही देखते यहाँ लड़कियाँ भी देखने लगी है, अजीब ही हो गया था। फिर भी मैं आगे बढ़ने लगी, अचानक मैंने उनको देखा ही था, एक सेकंड में सब कुछ ख़त्म। मैं आगे बढ़ी, वो लेडी आई, बियर की बॉटल में एसिड लेके आए थे और ग्लास लेके आए थे। उस लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा और ग्लास से एसिड डाल दिया और मैं बेहोश हो गई। मुझे याद नहीं है कि कितनी देर में मुझे होश आया। जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा फील हो रहा था किसी ने मुझे ज़िंदा आग लगा दिया और मैं बहुत तड़प रही थी, चीख रही थी। उसी टाइम पे मैं 3 बार फुटपाथ से नीचे गिर गई और 3 बार कार एक्सीडेंट हो गया। अगर वहाँ बस आती तो शायद मैं नहीं बचती। लेकिन एक ऐसे इंसान थे जो मुझे ये सारी चीज़ें दूर से ही देख रहे थे। लोगों ने ग्रुप बना लिया और लोग बड़े मज़े से देख रहे हैं कि कब मरेगी, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत अच्छे से देख रहे थे लोग। लेकिन मैं बहुत तड़प रही थी, उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, बहुत सारे लोग थे क्योंकि अभी मेट्रो स्टेशन है वहाँ। आज के अकॉर्डिंग पहले वहाँ ज़्यादा भीड़ होती थी, बस स्टैंड था, मेट्रो स्टेशन नहीं था, लेकिन लोग तमाशबीन बने हुए थे। और उस वक्त में वो अरुण सिंह करके एक अंकल थे, वो मेरे पास आए, 2 लीटर कोक की बॉटल थी, उसमें आधा पानी था, उन्होंने मेरे फेस पे डाला तो वो सारा गिर के मेरे यहाँ आ गया और वो पूरा बर्न कर गया। उन्होंने तुरंत PCR बुलाई और मैं जैसे ही PCR में बैठ के जा रही थी तो मैं अपने आप को देख रही थी ऐसे कि मेरे दोनों हाथ ऐसे थे और मेरा फेस जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन जलती है ना और वो मेल्ट होती है, उसी तरीके से मेरी स्किन मेल्ट हो रही थी। और मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, मेरे ऊपर 20 बाल्टी पानी डाला गया और अचानक जब मेरे पापा आए और मैंने अपने पापा को गले लगाया तो उनकी पूरी शर्ट जल गई थी, इतना गंदा वो एसिड था। वहीं से मेरी लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, 2 ऑपरेशन वहीं हुए, होशो हवास में मेरी दोनों आँखों को सिला गया, बहुत पेनफुल था। 2.5 महीने तक मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रही और जब मैं अपने घर गई, रिलेटिव्स आए थे, वो चले गए, आज तक लौट के नहीं आए। दोस्त थे, चले गए, आज तक लौट के नहीं आए। आस पड़ोस के जो लोग थे वो बहुत ही प्यारे थे, उन्होंने कहा अरे एसिड चेहरे पे क्यों डाला है, बॉडी के किसी और पार्ट में डाल दिया होता शादी कैसे होगी, चाकू मार दिया होता, गोली मार दिया होता, हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, लड़की है उसको मार दो। मेरे घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी। मुझे ये चीज़ लग रही थी कि एसिड है क्या, मुझे तो नया चेहरा मिला होगा, मैं तो और खूबसूरत हो गई होंगी, क्योंकि मेरे को जैसी परवरिश मिली है मैं तो उसी परवरिश में चल रही थी, क्योंकि लड़कियों के लिए खूबसूरती बहुत मायने रखती है, ये हमारे इंडिया में सिखाया भी जाता है, इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड में सिखाया जाता है कि खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। और उस वक्त में मैं अपना चेहरा देखना चाहती थी। मैं जब अपने घर गई तो मेरे घर से शीशे फ्रेम सब कुछ हटा दिया गया, फिर भी मैंने किसी भी तरीके से अपने आप को देख लिया और जब देखा मेरे लिए बहुत पेनफुल था, क्योंकि सच में मेरा चेहरा बहुत डरावना हो चुका था और मेरी आँखें निकल चुकी थी, मेरी लिप्स, मेरा एक एक पार्ट फेस का ख़राब हो चुका था। मेरे लिए बहुत पेनफुल था, मैं आत्महत्या करना चाहती थी, नहीं जीना चाहती थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं आत्महत्या करने से पहले अपने पेरेंट्स से एक सवाल तो पूछ लूँ। जो माँ 2.5 महीने मेरे लिए नहाई नहीं, जो पिता 2.5 महीने मेरे लिए सोए नहीं, इतनी आसानी से मैं आत्महत्या करके तो चली जाऊँगी, मेरे पीछे जो ज़िंदगियाँ हैं उनका क्या, वो तो ज़िंदगी भर मरेंगे। तब मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया, क्योंकि यही गलती मैंने अटैक से पहले किया था कि मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैंने अपने मन में बना लिया था कि मेरे पेरेंट्स कभी मेरी सुनेंगे ही नहीं। उसके बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया तो मेरे पापा बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत पॉजिटिव इंसान थे, उन्होंने मुझे हग किया और उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी। उन्होंने मुझसे एक बात कही
इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा और तब तुम याद करोगी मुझे। टू थाउजेंड सेवन में मैंने टेंथ में एडमिशन लिया और उसके बाद फिर मैंने टेंथ कैसे कैसे करके मैं टेंथ कर रही थी। 2009 में फिर मैंने स्टिचिंग में एडमिशन लिया और ब्यूटिशन किया, बेसिक कंप्यूटर किया, ये सारी चीज़ें एक साथ करने लगी मैं। लेकिन 2012 में एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जो मेरा वेट कर रहा था। 2012 में मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसको टीवी हो गया था और बहुत बहुत वो टीवी ने हार्म कर दिया था उसे। लेकिन जब डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं बचेगा तो थर्ड डे पे ही पापा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। हमारे घर में एक ही अर्निंग मेंबर था और वो भी इस दुनिया से जा चुके थे और हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तब मेरे वो सर्टिफिकेट, ब्यूटिशन, टेलरिंग, टेंथ, बेसिक कंप्यूटर, वही चीज़ थी मेरे पास। मम्मी हॉस्पिटल में भाई को लेके थी, जब मैं जगह जगह हॉस्पिटल मैं जगह जगह जा रही थी कि मेरा भाई हॉस्पिटल में है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे को ही आगे जॉब करनी पड़ेगी, किसी ने मुझे जॉब नहीं दिया। मैंने टेलरिंग किया, उस बिहाफ पे भी नहीं मिला। मैंने टेंथ किया, कॉल सेंटर में जाके बात की, लोगों ने कहा कि आपके चेहरा देख के लोग डरेंगे। मैंने उनसे एक बात पूछी, आप एक बात बताइए, फ़ोन में कोई थोड़ी ना डरता है, मतलब फ़ोन में कस्टमर बात करेगा ना, चेहरा तो नहीं देखेगा, आपको तो जॉब से मतलब है। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे लोग मेरी हिस्ट्री पूछते थे, फिर मुझे कहते थे हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, यही सब चीज़ें रहती थी। फिर बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। 2006 में एक PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि एसिड को बैन किया जाए, उसका रिजल्ट 2013 में आया, वो भी कैसे। मैं स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन से जुड़ी और ये आलोक जी ने स्टार्ट किया था। और जब मैं वहाँ गई, मैंने अपने अलावा 5 सर्वाइवर को देखा, उसमें से कुछ सर्वाइवर ऐसी थी जो पूरी ज़िंदगी भर नहीं देख सकती है, कुछ सर्वाइवर ऐसी हैं जो एक आंख से देखती है, एक आंख से नहीं देख सकती है, और वो नहीं देख पाएंगे। तो वो बहुत पेनफुल था। जब हम सब लोग एकजुट हुए, मिले, तब समझ में आया कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सबको अपनी अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और मेरे साथ ही ये हादसा हुआ है और कोई नहीं है दुनिया में। ये चीज़ें होती हैं, हमें लगती है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, बट लेकिन जब हम देखते हैं तो सच में सबकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी है। तब उस टाइम पे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोटेस्ट किया, बात किया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एसिड ऐसे खुलेआम नहीं बिकेगा, जिसके पास लाइसेंस होगा वही बेचेगा, जिसके पास ID प्रूफ होगा वही खरीदेगा। लेकिन उस पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। बहुत जगह ऐसा हो गया कि एसिड बिकना बंद हो गया है, लेकिन बहुत जगह एसिड बिकना बंद ही नहीं हुआ है। एसिड एक्चुअली ना बिके या ना बिके, एसिड हमारे यहाँ है और कहीं नहीं है। अगर एसिड को रोकना है ना, तो हमारे घर में, क्योंकि अब हम सब लोग यंग हैं, तो हम ये मैसेज को बहुत लंबे सिरे तक लेके जा सकते हैं, एक चेन बना सकते हैं। जो आज हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे पल रहे हैं ना, हम उनको ढंग से पाल सकते हैं ये बता के कि खूबसूरती इम्पॉर्टेंट नहीं रखती है। सच में अगर खूबसूरती इम्पॉर्टेंट रखती तो क्या आज मैं आप सब लोगों के सामने होती? लेकिन फिर भी मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ। टाइम क्योंकि बहुत कम है तो मुझे बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा कैंपेन हुआ। लोग जानते हैं कि रेप केसेस क्या होता है, लोग जानते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, कोई ये नहीं जानता था कि एसिड अटैक क्या होता है। 4 साल हमारे कैंपेन को अब नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे। आज हमारा कैंपेन इंटरनेशनल लेवल पे है, आज लोग जानते हैं कि एसिड अटैक क्या है, एसिड अटैक सर्वाइवर क्या है, क्योंकि आज एसिड अटैक जो सर्वाइवर्स है वो विक्टिम नहीं है, वो एज अ फाइटर, एज अ सर्वाइवर है। आज वो अपनी बात को खुद प्रेजेंट करती हैं, आज वो चेहरा ढक के नहीं चलती है, आज वो जी रही है, वो किसी की मोहताज नहीं रह गई है। शिरोज हैंगआउट क्या है, आइए मैं शिरोज हैंगआउट खुद नहीं बताऊंगी, ये वीडियो देख के आप खुद देखिए कि शिरोज हैंगआउट क्या है।
टेंथ स्टैंडर्ड में थी और मैं वॉलीबॉल खेलती थी और मेरे ऊपर इवनिंग टाइम में अटैक हुआ था जब मैं अपने ग्राउंड पे जा रही थी। मेरे बुआ के लड़के ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था 1,25,000 रुपीज़ दे के, और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट था और वो मेरे से लाइक कर रहा था। काफ़ी देर तक तो किसी ने हेल्प नहीं किया। मैं अटैक के हाफ एन आवर के बाद हॉस्पिटल पहुंची और वो भी मेरा भाई लेके गया था। मैं 2 साल की थी और मेरा भाई 9 दिन का था, तब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। 4-5 साल की थी तो मैं फरीदाबाद में चाचा चाची के साथ में आ गई थी, वहाँ पढ़ाई कर रही थी। और कुछ दिन बाद दादी बाबा भी एक्सपायर हो गए, तब मैं 15 साल की थी। तो पापा आए गाँव से, मुझे ले गए चाचा के पास से। वहाँ ले जाके उन्होंने मुझे कुछ दिन अपने पास रखा स्टेप मदर ने, और उन्होंने मेरे पर एसिड डाल दिया। परिवार वाले ने डलवाया जमीन के पीछे, मतलब उनके पास बहाना तो ये था कि लड़की लड़की हो रही हैं, लड़के तो है नहीं है तो इनका करेगा क्या। तू छोड़ दे, तेरी शादी दूसरी करा देंगे और तू बंद हो जाएगा तो हम तुम्हें छुड़ा लाएंगे। गवर्नमेंट से अभी तक सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने नहीं मदद करी हमारी। जब से अभी 1 साल से शुरू से जुड़े हैं तो एक ऑपरेशन नीतू को हो गया, 2 मेरे हो गए पलक के। मेरा इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा था, वहाँ पे एक फ्रेंड थी अर्चना, उसके ऊपर भी एसिड अटैक हुआ था, वो भी घर के पास रहती थी। तो उन्होंने मुझे कैंपेन के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे एक स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन खुला है जो कि आलोक दीक्षित ने शुरू किया था। मेरी लाइफ का पहला दिन था कि मैं अपने घर से पहली बार अकेले निकली। पहले से जिंदगी सही है, भैया लोग हमें सपोर्ट करते हैं और सब लोग हमें प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ पे एज यू विश पे कैफे चलता है, कोई प्राइस नहीं रखा है, कोई भी आ सकता है, कुछ भी खाए और अपनी मर्जी से कोई पे कर सकता है। और यहाँ पे हमने एक सेशन लाइब्रेरी का रखा है, उसमें बहुत सारी बुक्स है जो आके पढ़ सकते हैं। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ। एक अतुल सर है जो मेरे मेंटर हैं, मुझे ट्रेन कर। मैं अकाउंट्स देखती हूँ, अकाउंट मैनेज करती हूँ और थोड़ा मैनेजमेंट देती हूँ थोड़ा। एक ताजमहल है आगरा में, लेकिन दूसरा ताजमहल हमारा एक सिरोज है। शिरोज जो है हीरोज का शिरोज, जब हीरोज हो सकते हैं तो शिरोज क्यों नहीं हो सकती है। रिहैबिलिटेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि क्राइम कहीं ना हो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बदलाव हमें खुद अपने अंदर पहले करना होगा, तभी आप किसी और को चेंज कर पाएंगे। हमारा कानून बहुत स्लो है, कानून को फास्ट होना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सज़ा देने के बाद रिहैबिलिटेशन में सर्वाइवर के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एसिड डालता है ये सोच के एसिड नहीं डालता है कि इसको जान से मार दूँ, वो ये सोच के एसिड डालता है ये 4 दीवारी में बंद रहेगी, ये मेरी नहीं हो सकी तो ये किसी की नहीं हो सकती है। लेकिन बिल्कुल अपोजिट हो गया है, ये उन क्रिमिनल्स के लिए जो आज भी सोचते हैं कि हम ऐसा करें, ये उनके लिए एक मैसेज है। हम कभी फांसी नहीं मांगते हैं इसलिए क्योंकि जब वो बंदा जेल से बाहर आएगा और वो ये देखेगा कि मैंने तो लक्ष्मी की हालत ये सोच के किया था लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट हो गई है, तो उसको और पेन होगा क्योंकि उसने मेरा चेहरा जलाया है, मेरे सपने नहीं। थैंक यू।